गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 2 पनोरमा से 6th लेसन ट्रबल इन बोहेमिया पेज 41 से। ऑर्थर कॉनन डॉयल। अबाउट द राइटर, ऑर्थर कॉनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर, ये स्कॉटिश राइटर थे, मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग लीजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शन कैरेक्टर शर्लॉक होम्स एंड हिज रॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वेस्टन। ही रॉट मोर देन 60 शर्लॉक होम्स, इन्होंने मोर देन 60 शर्लॉक होम्स लिखे, मिस्ट्री स्टोरीज, रहस्यमयी कहानियाँ, विच अट्रैक्टेड द ऑल द रीडर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सम ऑफ हिज नोटेबल शर्लॉक होम्स वर्क्स इंक्लूड The Stories of Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes and Hound of Baskervilles, The Case Book of Sherlock Holmes and Memories of Sherlock Holmes. He also wrote many non-fictional books, works for fantasy, science fiction, historical novels and poetry. And इन्होंने poetry भी लिखी है and also created fictional character. उन्होंने fictional character लिखे हैं, नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर एंड रोट अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स बेस्ड ऑन हिम। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। व्हेनेवर शर्लॉक होम्स स्पोक ऑफ इरन एडलर, जब कभी भी शर्लॉक होम्स इरन एडलर के बारे में बात करते, इट वाज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, तो उनके मन में उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट रहता। शी वाज ऑलवेज द वुमन, वो हमेशा एक महिला ही थी। This did not mean that she was in any way sentimental about her. इसका मतलब ये नहीं था कि उनका कोई भावनात्मक जुड़ाव उनके साथ था इस वजह से। But throughout his long career, Irene Adler, लेकिन जो Irene Adler का पूरा करियर रहा, had been one of the few persons, वो कोई पर्सन रहे थे who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself, जो कि Sherlock Holmes जैसे ही clever थी। Anyway, I was in Holmes अपार्टमेंट, मैं होम्स के अपार्टमेंट था मैं था वन डे वेन टॉल हैंडसम मैन ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जो एक विदेशी कंट्री की यूनिफॉर्म में आया, केम टू सी हिम, उनसे मिलने। द मैन वॉर अ मास्क एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन, उसने मास्क पहना हुआ था और वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट होम्स सून रिकग्नाइज द मैन, लेकिन होम्स इतने इंटेलिजेंट थे कि वो उसको पहचान गए। एड्रेस्ड हिम एज योर मेजेस्टी, और उन्हें योर मेजेस्टी के नाम से संबोधित किया। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, और उसने भी एडमिट कर लिया कि वही किंग ऑफ बोहेमिया है। ही हैड कम, ही सेड, टू आस्क शर्लॉक होम्स हेल्प इन मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कि वो उनसे कोई मदद चाहता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर में। इट सीम्स दैट 5 years earlier, ऐसा लग रहा है कि 5 साल पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, जब जो राजा नहीं बने थे, ही हैड बीन इन वर्सोवा, वो वर्सा में थे ऑन अ विजिट एंड हैड फेलन इन लव विद ब्यूटिफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, वहाँ पर वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस से प्यार करने लगे, मिस इरन एडलर, जिसका नाम मिस इरन एडलर था। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट दैट टाइम, मैं उस समय क्राउन प्रिंस था। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान भी था। शॉर्टली आफ्टर आई बिकेम किंग, लेकिन जब अब मैं राजा बन गया हूँ। इरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, लेकिन जो इरन एडलर है वो एक्ट्रेस है और वो रॉयल ब्लड से नहीं है, शाही फैमिली से। माई फैमिली एंड द मेम्बर्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, मेरी फैमिली और जो गवर्नमेंट है उसने मुझे ये बात पता लगा ली कि मैं किसी के साथ लव में हूँ, और वो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर मुझे राजा बनाए रहना है तो मुझे उसके साथ अपने संबंध तोड़ देने चाहिए। आई लव्ड हर डीपली, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन जो मेरी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे कंट्री के लिए है। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन, राजा समझाता रहा दैट He was now about to marry a princess, कि अब वो किसी से प्रिंसेस से शादी करेगा जो कि एक रॉयल ब्लड से होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।